Hello everyone, in this video you will learn how to create a PayPal account. PayPal account is very necessary if you do any kind of online work क्योंकि PayPal account will help you to receive and send payment internationally. अब अगर तुम कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट के लिए वर्क करते हो, किसी भी तरीके का ऑनलाइन वर्क करते हो या किसी भी क्लाइंट के लिए आउट ऑफ इंडिया वर्क करते हो, तो तुम्हें या तो पेमेंट रिसीव करने होंगे या तो पेमेंट सेंड करने होंगे, और उसके लिए यू कैन यूज़ पेपैल. पेपैल इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू रिसीव एंड सेंड इंटरनेशनल पेमेंट्स. और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगी कि तुम्हें पेपैल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है. चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और पेपैल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उन सारी चीजों को समझते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पेपैल है वो एकदम सेफ है, लेजिट है. यहाँ पे कोई भी तुमसे फ्रॉड नहीं कर सकता. इनफैक्ट यहाँ पर तो ऐसे रूल्स हैं, अगर किसी ने तुमसे फ्रॉड में पैसा ले लिया है तो यू कैन ऑलवेज कंप्लेन टू पेपैल एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू गेट योर मनी बैक. अब अकाउंट क्रिएट करने से पहले तुम्हें रिक्वायरमेंट्स क्लियर कर देती हूँ कि पेपैल अकाउंट क्रिएट करते टाइम तुम्हें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. तुम्हें एक ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी. आई वुड सजेस्ट यू एक अपना बिजनेस ईमेल आईडी बना लेना जीमेल पे. सेकंड, तुम्हें अपने पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी. और थर्ड, तुम्हें एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा. अब ये तुम ध्यान रखना, जो तुम्हारा बैंक अकाउंट पे नेम होगा तुम उसी नेम से पेपैल अकाउंट बनाना, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है. तुम्हें जो तुम अपना पेपैल पे नाम रजिस्टर करोगे सेम नेम से ही तुम्हारा किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तभी तुम पेपैल से पेमेंट रिसीव या सेंड कर सकते हो. सो मेक श्योर जो तुम पेपैल पे अपना नाम डालने वाले हो और जो तुम्हारा अकाउंट करंट है उसमें दोनों नाम सेम हो. दैट इज़ द ओनली थिंग. और तुम्हारे पास तुम्हारा पैन कार्ड होना चाहिए. दीज आर द ओनली थ्री रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट अ पेपैल अकाउंट. और पेपैल पे अकाउंट तुम विद इन 10 मिनट्स बना सकते हो. अब हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उन चीज़ों का समझते हैं. उसके लिए यू हैव टू कम टू माई लैपटॉप स्क्रीन. पेपैल पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें paypal.com पे जाना होगा. यहाँ पे जाने के बाद तुम्हें अपना अकाउंट बनाना है. यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, साइन अप फॉर फ्री या साइन अप के ऑप्शन पे. मैंने यहाँ पे क्लिक करा, फिर तुम्हारा एक और नया पेज होगा जहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन पेपैल टुडे फॉर फ्री, इंडिविजुअल अकाउंट सेंड पेमेंट्स ओनली, पे फॉर योर शॉपिंग वर्ल्ड वाइड. अगर तुम एक ऐसा अकाउंट खोलना चाहते हो जिसमें तुम्हें सिर्फ पेमेंट करना है, रिसीव नहीं करना, देन यू कैन क्लिक फॉर ऑन दिस इंडिविजुअल अकाउंट. बट अगर तुम्हें पेमेंट रिसीव भी करना है और सेंड भी करना है, देन यू हैव टू ओपन अ बिजनेस अकाउंट. अगर तुम मेक मनी ऑनलाइन जैसी वेबसाइट पर वर्क करते हो या एक फ्रीलांसर हो या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए वर्क करते हो, देन यू हैव टू ओपन दिस बिजनेस अकाउंट ओनली, सुटेबल फॉर इंडिविजुअल्स who want to receive payments, sellers, freelancers and businesses receive and send payment overseas, no setup maintenance fee. Then next pe click karoge. फिर साइन अप फॉर अ बिजनेस अकाउंट. तुम्हें जो अपना ईमेल एड्रेस है वो यहां पर लिखना होगा. मैं यहां पर एक अपना ईमेल एड्रेस डाल देती हूं, तुम्हारा जो हो वो तुम डाल देना. सबमिट. And then you have to create a password for your email address. Password create करने के बाद again click on the submit option. Then it is describe your business. You have to describe your business type. I believe कि तुम्हारा जो basically ये videos देख रहे होंगे वो सारे इंडिविजुअल बिजनेसेस होंगे, या तो मेक मनी ऑनलाइन कर रहे होंगे या तो अपनी फ्रीलांस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे. उसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इंडिविजुअल अकाउंट. प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड. सपोज मैं राइटिंग करती हूँ तो मैं यहाँ पर होस्टिंग, प्लम्बिंग, स्पेशल ट्रेड्स, ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे उसमें से सेलेक्ट कर सकती हूँ. तो मैं यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मिसलेनियस पर्सनल सर्विसेज पे सेलेक्ट करके अपना प्रोडक्ट और सर्विस टाइप डिस्क्राइब करूँगी. देन इट इज़ पर्पस कोड. पर्पस क्या, कोड क्या होता है? प्लीज सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ योर एक्सपोर्ट बिजनेस. ट्रैवल, कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन. मैं अगेन ये जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये राइटिंग और ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर में ही आती हैं, तो आई विल क्लिक ऑन दिस. देन जो तुम्हारा पर्सनल पैन नंबर हो वो तुम्हें यहाँ मेंशन करना होगा. देन पेपैल स्टेटमेंट नेम, जो तुम्हारा पेपैल पे चाहते हो जिस नाम से अकाउंट है उसको यहाँ मेंशन करना होगा. Then business URL if applicable. फिर यहां पे इस submit option पे click करना देना होगा.
अब उसके बाद यू हैव टू एंटर योर बिजनेस ओनर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ. प्लीज एंटर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑनर ऑफ द बिजनेस और द प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर दिस अकाउंट. मैं वो एंटर कर देती हूँ. देन नेक्स्ट तुम्हें यहाँ पे बिजनेस अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है. अग्री एंड कंटिन्यू. अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही तुम फिल करोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे, तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा पेपैल पे. अब नेक्स्ट तुम्हें अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये कुछ दो तीन क्वेश्चंस पूछेगा, ये तुम अपने अकॉर्डिंग एंटर कर लेना. फिर तुम्हें नेक्स्ट में क्या करना होगा वो बताती हूँ. इस होम सेक्शन पे आना और यहाँ पर तुम्हें जो अपना अकाउंट नंबर है उसको लिंक करना होगा, जिससे तुम्हें पेमेंट रिसीव करने हैं या पेमेंट सेंड करने हैं. उसके लिए क्या करना होगा वो बता देती हूँ. उसके लिए इस अकाउंट पे जाना, देन यू हैव टू गो टू दिस अकाउंट सेटिंग्स. अकाउंट सेटिंग्स पे आने के बाद यू हैव टू एंटर योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन. मनी, बैंक्स एंड कार्ड्स पे क्लिक करना. और यहाँ पे जो भी अपना बैंक अकाउंट है उसको लिंक कर सकते हो या कार्ड्स भी लिंक कर सकते हो. तो आई वुड सजेस्ट यू इस लिंक अ न्यू बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें एक और नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से तुम्हें अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है, जिससे तुम्हें पेमेंट रिसीव होगा. उसके उसके लिए यू हैव टू फर्स्ट टेल द IFSC कोड, योर अकाउंट नंबर, एंड देन जो तुम्हारा अकाउंट नेम होगा यहाँ पे वो सेम होना चाहिए जो तुमने पेपैल में नेम डाला है. इस चीज़ का ध्यान रखना. फिर जैसे ही तुम इस लिंक योर बैंक ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और जब भी तुम्हें कोई पैसा भेजेगा वो इस अकाउंट में जाएगा. अब हम बात करते हैं कि सपोज तुम्हारा कोई क्लाइंट है, उसको तुम्हें पेमेंट भेजनी है, तो वो तुमसे तुम्हारा पेपैल आईडी पूछेगा. पेपैल आईडी तुम्हारा जो पेपैल का अकाउंट, पेपैल आईडी तुम्हारा जो पेपैल का ईमेल होता है वो ही होता है. तो यू कैन टेल योर पेपैल ईमेल आईडी. जैसे ही तुम अपना उसको ईमेल आईडी बताओगे वो तुम्हें पेपैल के थ्रू पैसा भेजेगा और विद इन 4 to 7 days वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. उसके अलावा यहाँ पे चार ऑप्शंस ऑल हैं, होम एक्टिविटी, पेड एंड गेट पेड एंड ऐप सेंटर, जहाँ से तुम अपनी जितनी भी इन्वॉइसेस तुमने सेंड करी हैं या इन्वॉइसेस रिसीव करी हैं उन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो. सो पेपैल पे अकाउंट बनाना इज दिस ईजी, यू विल नॉट टेक मोर देन 10 minutes. So that's about it. It is this easy to create a PayPal account and receive or send payments internationally.